वेलकम टू द ट्वेंटी फोर्थ वीडियो ऑन एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर नाटक एज यू लाइक इट जिसके रचयिता विलियम शेक्सपियर हैं के इस चौबीसवें वीडियो में आपका स्वागत है इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो वी शैल सी एक्ट थ्री सीन वन पार्ट बी इस वीडियो में हम एक्ट थ्री सीन वन का पार्ट बी देखेंगे ओलेवा प्लीड्स बिफोर ड्यूक फ्रेडरिक अबाउट हिज डिसकनेक्टिविटी विद ऑरलैंडो टू विच द ड्यूक वॉन्ट्स हिम टू फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस Now, in the previous video, we have seen that Duke Frederick he threatens Oliver of dire consequences if he fails to produce his younger brother Orlando before him. When Oliver says, I'm not in connection.

तो वो ऑरलैंडो के बड़े भाई ओलिवर को पकड़ते हैं उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने अपने छोटे भाई को पकड़कर मेरे सामने प्रस्तुत नहीं किया तो तुम्हें उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा इस पर ओलिवर उनके सामने गिड़गिड़ाता है और उनसे निवेदन करता है कि मैं अपने भाई के संपर्क में नहीं हूं वो मेरा घर छोड़ के चला गया उसके बाद मुझे पता ही नहीं है कि वो कहां गया और कहां है जब ओलिवर इस तरह से अपना पक्ष प्रस्तुत करता है तो फ्रेडरिक गुस्से में उसे यह निर्देश देता है बट लुक टू इट find out thy brother wheresoever he is seek him with candle bring him dead or living now here we see that duke frederick he passes certain orders on oliver he says listen don't give me the excuse that you are not in touch with your brother you do not know where your younger brother orlando is duke frederick gusse mein oliver se kehte hain मुझे ये बहाने नहीं सुनने हैं कि तुम अपने भाई के संपर्क में नहीं हो और तुम उसे प्रस्तुत नहीं कर सकते हो अब तुम्हें क्या करना है फाइंड आउट दैट ब्रदर जाओ और अपने भाई को ढूंढो वेर सो एवर ही इज वेर एवर हीटली ही इज देयर समवेयर सो वेर एवर ही इज यू हैव टू गो एंड फाइंड हिम आउट जाओ अपने भाई को ढूंढो वो जहां भी है वहां से उसको ढूंढो सीख हिम विद कैंडल सीख हिम विद कैंडल टेक योर ओन लाइट एंड सर्च फॉर हिम जैसा हम बोलचाल में बोलते हैं ना टॉर्च लेके ढूंढो वही भाव है कि एक मोमबत्ती लेके ढूंढो यानी कि किसी भी तरह से ढूंढो अपने प्रयास बढ़ाओ अपने संसाधन बढ़ाओ यू शुड इंक्रीज योर एफर्ट्स यू शुड इंक्रीज योर रिसोर्सेज बट यू शुड यू हैव टू बाई ऑल मीन्स ब्रिंग योर ब्रदर हिम ब्रिंग हिम डेड ऑल लिविंग जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लेकर के आओ यहां पर विद इन दिस ट्वेल्व मंथ और टर्न दाउ नो मो टू सीक अ लिविंग इन आवर टेरेटरी विद इन दिस ट्वेल्व मंथ आई एम गिविंग यू अ ड्यूरेशन ऑफ ट्वेल्व मंथस आई एम गिविंग यू अ टाइम लिमिट ऑफ ट्वेल्व मंथ वन ईयर

किसी भी तरह के साधन यूज करो किसी भी तरह के ए, 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 एफर्ट्स प्रयत्न यूज करो कुछ भी करो लेकिन बारह महीने का की जो मियाद मैं तुम्हें दे रहा हूँ बारह समय बारह महीने का समय जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उस बारह महीने के अंदर अंदर एक साल के अंदर अंदर तुम अपने छोटे भाई ऑर्लैंडो को मेरे सामने पकड़ कर लेकर के आओ लिविंग और डेट जिंदा पकड़ के लाओ मुर्दा पकड़ के लाओ कैसे भी पकड़ के लाओ लेकिन मेरे सामने प्रस्तुत कर दो अन्यथा और टर्न दाओ नो मोर टू सीक लिविंग इन आर टेरिटरी इफ यू फेल टू डू दिस देन डू नॉट कम टू आर टेरिटरी डू नॉट कम टू आर ड्यूकडम ये जो मेरा ड्यूकडम है ये जो मेरा दायरा है जहां पर मेरा राज चलता है वहां पर मेरे ड्यूकडम के अंदर तुम अपनी रोजी रोटी कमाने के हकदार नहीं हो तुम यहाँ नहीं आ सकते हो दाई लैंड्स एंड ऑल थिंग्स दैट दाउ डस्ट कॉल दाइन वीज डू वी सीज into आर hands टिल दाउ canst क्विथ दी बाय thy ब्रदर्स माउथ ऑफ What we think against thee. He says that if you are unable to bring Orlando to us, then we will confiscate your property, your land, everything. Thy lands and all things that thou dost call thine. All those things which you possess. All those things. च यू कॉल योर ओन वी विल सीज दम वी विल कंफिस्केट वो सारी चीजें वो सारी प्रॉपर्टी वो सारी लैंड जिसे तुम अपना बताते हो हम उसको पूरे को जब्त करते हैं और जब तक कि तुम हमारा दिया हुआ काम नहीं कर देते हो तब तक ये सारी की सारी चीजें हमारे कब्जे में रहेंगी What Caesar do we seize into our hands till thou canst quit thee by thy brother's mouth of what we think against thee? He says that you have to produce your brother and justify yourself through him. But do this find your brother wherever he is, bring him here, dead or alive, within the Next year, or get out of my land. I am grasping your lands and all that you possess until your brother gives testimony that absolves you of any guilt. Your brother has to tes testify, your, your brother has to prove. That you are not guilty of any sort of disloyalty towards me. जब तुम्हारा भाई इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कर देगा कि तुमने कोई भी ऐसी डिसलॉयल्टी की बात नहीं की है जो जिसका मुझे तुमसे जिसकी मुझे तुमसे शिकायत है तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा अगर तुम्हारा भाई इस चीज को जस्टिफाई करता है तो अन्यथा नहीं इन दैट इवेंट ओलिवर्स पोजेशन विल रिवर्ट टू फ्रेडरिक तब तक क्या होगा टिल देन ऑल दैट ओलिवर ओन्स विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेडरिक तब तक ओलिवर की सारी की सारी प्रॉपर्टी फ्रेडरिक की मानी जाएगी ओलिवर ट्राइज टू कन्विंस फ्रेडरिक ही शेयर दैट आई नेवर लव्ड माई ब्रदर इन माई लाइफ नाउ हियर Oliver tries to convince Frederick. He tries to justify his stand by saying, "I never loved my brother in my life." वो Oliver, uh, Oliver Frederick से कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने भाई का बचाव कर रहा हूं मैंने जीवन पर्यंत कभी भी अपने भाई से प्रेम किया ही नहीं जो भाई मुझे प्यारा ही नहीं है मैं उसका बचाव क्यों करूंगा और मैं आपके प्रति किसी भी तरह की uh, डिसलॉयल्टी क्यों शो करूंगा फ्रेडरिक स्नैप्स बैक मो वेल पुश हिम आउट ऑफ डोर्स एंड लेट हिम लेट माई ऑफिसर्स ऑफ सच अ नेचर मेक एन एक्सटेंड अपॉन हिज हाउस एंड लैंड सेज मो मोविल तुम तो और भी बड़े विलेन हो तुम तो और भी ज्यादा अत्याचारी व्यक्ति हो जो ये आराम से कह रहा है कि मैं कभी अपने भाई से प्रेम करता ही नहीं था वेल पुश हिम आउट ऑफ डोर्स अपने दरबारियों से वो कहता है अपने सेवकों से कहता है कि इसे धक्के मारकर यहां से निकाल दो एंड लेट माई ऑफिसर्स ऑफ सच अ नेचर मेक एन एक्सटेंट अपॉन हिज हाउस एंड लैंड सो माई एलिजिबल ऑफिसर्स आई ऑर्डर माई एलिजिबल ऑफिसर्स टू गो एंड कंफिसकेट हिज हाउस एंड लैंड मेरे जितने भी ऐसे कर्मचारी uh, हैं जिनके पास ये अधिकार हैं कि वो इसकी जमीन को uh, जब्त कर लें और मेरे मेरे उसमें uh, मेरी जमीन में ऐड कर दें डू दिस एक्सपीडियंटली एंड टर्न हिम गोइंग डू इट फास्ट डू इट क्विकली पुश हिम आउट एंड सी दैट हिज प्रॉपर्टी इज कन्फिस्ट कन्फ्यूस्केटेड इट इज अटैच टू माइंड जल्दी से इसको धक्के मार के यहां से निकालो और इसकी सारी प्रॉपर्टी को मेरी प्रॉपर्टी के साथ जोड़ दो दैट मेक्स यू इवन बिगर विलन वेल थ्रो हिम आउट एंड हैव माई ऑफिसर सीज हिज हाउस एंड लैंड डू दिस इंस्टेंटली मेक श्योर दैट ओलिवर लीव्स द प्लेस सो दिस इज द ऑर्डर ही इज गिविंग टू हिज ऑफिसर्स डेट थ्रो हिम आउट ऑफ दिस प्लेस यहां पर फ्रेडरिक अपने ऑफिसर्स uh, uh, से कहता है कि इसे धक्के मार के यहां से निकालो और इसकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लो ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें इतनी नाटकीयता है ड्यूक फ्रेडरिक का जो तरीका है वो नाटक की दृष्टि से मंचन की दृष्टि से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज इट इज अ वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस द वे ही प्लेज द रोल ऑफ अ विलेन

मंचन की दृष्टि से ही बहुत अच्छा दृश्य उत्पन्न किया है कि ड्यूक फ्रेडरिक एक अच्छे विलेन की तरह एक अच्छे, एक अच्छे नेगेटिव शेड जो उसके अंदर दिखाई देता है वो ओलेवर को वहां से खदेड़ता है कहता है चाहे जिंदा पकड़ के लाओ मुर्दा पकड़ के लाओ लेकिन ऑर्लैंडो को किसी भी सूरत में कैसे भी कैंडल लेके जाओ ढूंढो पकड़ के लाओ ये सारा की सारा मंचन की दृष्टि से शेक्सपियर ने बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है दिस सीन शुड बी स्टडीड इन कनेक्शन विद द एक्शन इनिशिएटेड इन एक्शन एक्ट टू सीन टू द पर्पज ऑफ शेक्सपियर इज दैट ओलिवर मस्ट गो टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन वेयर ही विल अल्टीमेटली मीट विद द अदर कैरेक्टर्स एंड इट इज आयरनिक दैट फ्रेडरिक कॉल्स ओलिवर अ विलन

ध्यान देने योग्य जो बातें शेक्सपियर ने इसमें प्रस्तुत की हैं वो ये है द पर्पज ऑफ शेक्सपियर इज दैट ओलेवर मस्ट गो टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्ट वेयर ही विल अल्टीमेटली मीट विद द अदर कैरेक्टर्स नाउ शेक्सपियर वॉन्ट्स टू पुट ऑल द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एट वन प्लेस शेक्सपियर की नाटक को गढ़ने की जो रचना है इसमें सारे के सारे जो मुख्य पात्र हैं उन्हें एक जगह लाने की योजना है उस योजना के तहत वो ओलिवर को भी ड्यूक डम से बाहर फेंकवाता है जब ओलिवर फेंका जाएगा तो वो खुद भी फॉरेस्ट ऑफ तो आर्डन की तरफ जाएगा और वो उन्हीं पात्रों के साथ मिल जाएगा जो कि पूरी कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे एंड इट इज आयरनिक दैट फ्रेडरिक कॉल्स ओलिवर विलेन फॉर नॉट लविंग हिज ब्रदर नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट शेक्सपियर हैज पर शेक्सपियर ने एक और बहुत ही सुंदर तथ्य प्रस्तुत किया है जब ओलिवर ये कहता है कि मैं कभी अपने भाई से प्रेम करता ही नहीं था तो ड्यूक फ्रेडरिक उससे कहता है कि ये तो तुम्हें और भी बड़ा विलेन बना देता है, बना देता है ये गुण कि तुम अपने भाई से प्रेम नहीं करते हो जबकि फ्रेडरिक इज ब्लैटेंटली गिल्टी ऑफ द सेम वांट ऑफ फीलिंग फॉर हिज ब्रदर वी सी दैट फ्रेडरिक हिमसेल्फ हैज नॉट एवर लव्ड हिज एल्डर ब्रदर ड्यूक सीनियर एंड ही हैज बैनिश हिज एल्डर ब्रदर ही हैज थ्रोन हिम आउट ऑफ द ड्यूकडम एंड स्टिल ही इज ब्लेमिंग ओलिवर फॉर अ सिमिलर बिहेवियर ड्यूक फ्रेडरिक का खुद का अपने भाई के साथ यही बर्ताव था और इसी के लिए वो ओलिवर को लज्जित कर रहा है या दोषारोपित कर रहा है अस सी द एक्सप्लेनेटरी नोट्स फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो आइए इस वीडियो को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द और वाक्यांश देखते हैं कैंडल अ राउंड स्टिक ऑफ सॉलिड ऑयल ऑफ फैट विद अ पीस ऑफ स्ट्रिंग अ विक थ्रू द मिडल दैट यू कैन बर्न टू गिव लाइट चर्बी से बनी एक गोलबत्ती जिसके मध्य में एक धागा होता है तथा जो जलने पर प्रकाश देता है जिसे आज हम मोमबत्ती के नाम से जानते हैं सीख टू ट्राई टू फाइंड आउट और गेट समथिंग कुछ ढूंढ ने या पाने की कोशिश करना अथवा तलाश करना टू आस्ट समी फॉर समथिंग किसी से कुछ मांगना लेना या अनुरोध करना टेरिटरी एंड एरिया ऑफ लैंड दैट बिलोंग्स टू वन कंट्री किसी देश के स्वामित्व वाला भूक्षेत्र या राजेत्रीज टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली एंड फर्मली टू ग्रैप समथिंग किसी वस्तु को एकाएक और कसकर पकड़ लेना छीन लेना झपट लेना टू टेक कंट्रोल और पजिशन ऑफ समबडी और समथिंग किसी को कब्जे में कर लेना या हत्या लेना हियर वी हैव सीन दैट फ्रेडरिक ही सीजेस ओलिवर्स लैंड एंड प्रॉपर्टी यहां नाटक में हम देखते हैं कि ड्यूक फ्रेडरिक ने ओलिवर की प्रॉपर्टी और लैंड को कन्फिस्टेट किया है सीज किया है क्विट टू लीव अ जॉब एटसेट्रा और टू गो अवे फ्रॉम अ प्लेस कोई नौकरी या स्थान छोड़ना टू स्टॉप डूइंग समथिंग कुछ करना बंद कर देना या छोड़ देना टेस्टमनी अ फॉर्मल स्टेटमेंट दैट समथिंग इज ट्रू एस्पेश वन दैट इज मेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ किसी बात के सच होने के पक्ष में औपचारिक वक्तव्य गवाही या साक्ष्य विशेषतः न्यायालय में समथिंग दैट शोज दैट समथिंग एल्स एग्जिस्ट और इज ट्रू प्रमाण जो किसी बात के अस्तित्व या सच्चाई को सामने लाए सबूत हियर द वर्ड टेस्टमनी हैज बीन यूज फॉर ऑरलैंडो कमिंग टू प्रूव दैट ओलिवर इज नॉट गिल्टी ऑफ गोइंग अगेंस्ट ड्यूक फ्रेडरिक यहां टेस्टमनी का प्रयोग ये बताने के लिए किया गया है कि ऑर्लैंडो स्वयं प्रस्तुत होकर यह साबित करे टेस्टिफाई करे कि उसका बड़ा भाई ओलिवर ड्यूक फ्रेडरिक के प्रति किसी भी तरह की बेवफाई या किसी तरह की धृष्टता नहीं कर रहा है एब्सॉल्व to say formally that somebody does not have to take responsibility for something to set someone free of some pre-given duty अपराध पाप उत्तरदायित्व आदि से मुक्त करना दोष मुक्त करना निरपराध ठहराना किसी को फ्री कर देना कि तुम इस चीज से बिल्कुल मुक्त हो न तुम्हारा यह दोष है न तुम्हारा यह अपराध है न तुम्हारी ये जिम्मेदारी है एब्सॉल्व रिवर्ट टू रिटर्न टू अ फॉर्मर स्टेट ऑफ एक्टिविटी पूर्व दशा या क्रिया में लौट जाना पहले जैसा हो जाना कन्विंस टू सक्सीड इन मेकिंग समबड़ी बिलीव समथिंग किसी को विश्वास दिलाना अथवा आश्वस्त करना टू परसुएट समबड़ी टू डू समथिंग किसी को कोई काम करने के लिए तैयार कर लेना मना लेना राजी करना हियर कन्विंस हैज बीन यूज टू एट मेनी प्लेसेस थ्रू आउट द प्ले वी सी दैट वन कैरेक्टर इज ट्राइंग टू कन्विंस द अदर यहां पूरे नाटक में हम देखते हैं कि ये जो कन्विंस करने का एलिमेंट है विश्वास दिलाने का या आश्वस्त करने का भाव है ये पूरे प्ले में लगातार चल रहा है हर समय एक पात्र किसी दूसरे पात्र को कुछ न कुछ कन्विंस करता हुआ ही दिखाई देता है अपनी सफाई पेश करता है आश्वासन दिलाता है खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है और इसी के कारण नाटक में रोचकता बढ़ती है सो ऑल कैरेक्टर्स वी सी दे आर म्यूचुअली कन्विंसिंग अदर फॉर वन रीजन और अदर सारे पात्र आपस में एक दूसरे को आश्वासन ही दिला रहे हैं किसी न किसी बात पर और इससे नाटक में रोचकता उत्पन्न होती है स्वे टू मेक अ सीरियस प्रोमिस कसम खाना शपथ लेना टू यूज रूड

ब्रिंग इन द ड्रामेटिक एलिमेंट द कैरेक्टर्स दे स्पीक इन अरबिक टोन वेयर द बॉडी लैंग्वेज एंड ऑडियो लैंग्वेजरी लैंग्वेज इज यूज इन द डायलॉग दैट इज क्वाइट एग्रेसिव और अबिट अनक यहां पर यह जो स्वेर वाला पुट डाला गया है क्योंकि नाटक का मंचन हो रहा है और मंचन में जब कोई भी बात बोली जाती है तो वो लीक से हटकर जब बोली जाती है चाहे वो भाषा के रूप में हो चाहे वो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी लीक से हट के हो जैसे एक पात्र गुस्सा दिखाता है तो हमें वो नाटकीयता की दृष्टि से अच्छा लगता है दूसरा गिड़ गिड़ाता है तो हमें नाटकीयता की दृष्टि से अच्छा लगता है तो ये जो स्वेयरिंग वाला एलिमेंट है कसम खा खा करके बोलना गिड़ गिड़ाना शपथ लेना गुस्से में शपथ लेना या गिड़ गिरा के शपथ लेना दोनों ही स्थितियों में ये स्वेयरिंग का एलिमेंट नाटक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट या मंचन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट नजर आता है विलेन एन ईवल पर्सन एस्पेश इन अ बुक ऑफ प्ले दुष्ट व्यक्ति विशेष किसी पुस्तक या नाटक में खलनायक अ क्रिमिनल अपराधी या गुंडा एक्सपीडियंट यूज अबाउट एन एक्शन कन्वीनियंट और हेल्पफुल फॉर अ पर्पज बट पॉसिबली नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट और मॉरल कार्य उद्देश्य सिद्धि की दृष्टि से सुविधापूर्ण परंतु पूर्णतया उचित या नैतिक नहीं स्वार्थ साधक स्वारक हियर इट इज यूज टू मेक थिंग्स पॉसिबल टू मेक थिंग्स स्पीड अप एंड टू मेक थिंग्स मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एट अ कंपेरेटिवली बेटर स्पीड आयरनिक मीनिंग दोजिट ऑफ वट यू से जिसमें कहीं गई बात से उल्टा अर्थ निकले व्यंग्यपूर्ण व्यंग्यात्मक यूज अबाउट अ सिचुएशन स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज अनयूजल और अनएक्सपेक्टेड स्थिति विचित्र या हास्यजनक असामान्य या अप्रत्याशित होने के कारण वेन समथिंग इज अनकन्वेंशनल वेन समथिंग गिव्स अ मीनिंग ऑपोजिट ऑफ वॉट इट मीन्स वेन इट इज ट्रांसलेटेड वर्ड टू वर्ड दिडन मीनिंग इज समथिंग ऑपोजिट टू वॉट द वर्ड मीनिंग एम्प्ल uh, जब कोई भी चीज अपने शब्दार्थ में कुछ और होती है और भावार्थ में वो उसके ठीक विपरीत होती है तो वहां पर आयरनी या व्यंग्य होता है ब्लैटेंट वेरी क्लियर और ऑब्वियस साफ खुला या स्पष्ट Here, the expression blatant has been used to point out the fact that Frederick he accuses Oliver of not loving his brother, and he says, Your declaration that you do not love your brother Orlando. और यू हैव ने लवर ब्रदर ऑर्लैंडो मेक्स यूर विले पर ब्लैक एंड का जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है वो इस संदर्भ में यूज हुआ है कि ओलिवर कहता है कि मैं अपने भाई को कभी भी प्रेम करता ही नहीं था और फ्रेडरिक इस चीज को पॉइंट आउट करता है कि तुम इस कारण से तो और भी बड़े विलेन घोषित होते हो और भी बड़े अपराधी हो मेरी नजर में कि तुम अपने भाई से कभी प्रेम करते ही नहीं थे और यह बात तुम बता भी रहे हो यह इसलिए ब्लैटेंट है क्योंकि जो आक्षेप जो एलिगेशन ओलिवर पर लग रहा है फ्रेडरिक द्वारा सेम अप्लाइज टू फ्रेडरिक हिमसेल्फ यही चीज फ्रेडरिक पर खुद पर भी लागू होती है जिस तरह से ओलिवर अपने भाई से कभी भी प्रेम नहीं करता था और वो स्पष्ट रूप से बता रहा है ठीक इसी तरह से ड्यूक फ्रेडरिक ने भी तो अपने बड़े भाई ड्यूक uh, सीनियर से कभी प्रेम किया ही नहीं और उनसे इस तरह का व्यवहार किया कि उन्हें ड्यूकडम से ही निर्वासित कर दिया ही बैनिश्ड हिज एल्डर ब्रदर नाउ हिज ओन बिहेवियर हैज बीन सो रूड टुवर्ड्स हिज ब्रदर सो अनकन्वेंशनल सो मॉरली इनकरेक्ट एंड ही इज ब्लेमिंग ओलिवर फॉर बींग रूड और अनब्रदरली टूवर्ड्स हिज ब्रदर जिस तरह का दुर्व्यवहार ओलिवर अपने छोटे भाई ऑरलैंडो की प्रति कर रहा है और उसे वो बता भी रहा है और उस बात पर फ्रेडरिक उसके ऊपर आक्षेप लगा रहा है वही के वही गलती तो फ्रेडरिक ने खुद ने अपने बड़े भाई के प्रति की हुई है कि उसको देश निकाला दे दिया निर्वासित कर दिया और फिर वो यहाँ पर ओलिवर के ऊपर सेम दोष लगा रहा है वॉन्ट टू हैव अ डिजायर और विश फॉर समथिंग कुछ चाहना या किसी की इच्छा रखना अ लैक ऑफ समथिंग किसी चीज की कमी अथवा अभाव होना यहां पर वही अभाव दोनों पात्रों में दिख रहा है भाई के प्रति प्रेम का अभाव द सेम वॉन्ट ऑफ लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स द ब्रदर

नाटक की कहानी अभी इसके आगे जारी है इसलिए कृपया इसके बाद वाला वीडियो भी देखें थैंक यू धन्यवाद